तो जैसे कि तुम्हें पता होगा, हमारे चैनल पे फिलहाल कुछ भाई साहब कंट्रोवर्सी टाइप की चल रही थी, तो उसके चलते हम माइनक्राफ्ट से थोड़ा सा दूर हो गए थे। बट अब आज हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट मोस्ट व्यूड वीडियो, यानी कि ऐसी वीडियोस जो कि भाई साहब लाखों में एक है। तुमने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी माइनक्राफ्ट की, मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट है ना जिसको देखने में तो भाई साहब अलग ही मजा आने वाला है। तो चलो साथ में चल के देखते हैं, क्योंकि साथ में ज्यादा मजा आएगा। और सही बता रहा हूँ, स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे ऐसे मूवमेंट है ना भाई साहब, क्या ही बताऊँ। चलो देखते हैं सीधा। तो सही है, बहुत बढ़िया हमारा घर है। और घर के अंदर भाई साहब क्रीपर घुस गया, ये फटेगा। और अब एक ऐसी चीज़ है गंदी सी, एक सेकेंड, कुछ तो गलत लग रहा है वो। ओ भाई इसको देखो कितना ज़्यादा फनी है। मतलब तुम देख रहे हो, ये था क्या यार, मेरे को समझ नहीं आया कुछ। मतलब एक अलग ही क्रीचर था जिसका फेस हमारे स्टीव जैसा था, बस थोड़ा सा अलग था। लेकिन यार जिस तरीके से वो क्रीपर के पीछे भागा, क्रीपर भाई साहब डर के मारे भग गया, कुछ अलग ही। मतलब अब तुम समझ गए होंगे की पूरी वीडियो अपसाइड डाउन, यानी आगे पीछे होने वाली है। अब समझ आया मैं क्यों कह रहा था कि ये वीडियो तुमने कभी नहीं देखी होगी। तो यार ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा अजीब है। तो अगली क्लिप की तरफ चलते हैं। अगली वाली क्लिप एक बार देखना भाई साहब, मेरे को तो भाई साहब कितनी बार देखो उतनी बार हंसी आती है। एक बार तुम भी देखो, ये देखो एक बार, ये है क्या, ये टेबल पे नाच रहा है। और ये ओ भाई साहब, मतलब एक बच्चा है उसने इलाइटर पहन रखी है। एक बार तुम्हें फिर दिखाता हूँ पीछे करके। तो ये देखो, ये वो बच्चा है जो ऊपर की तरफ खड़ा होकर डांस कर रहा है। और एक सेकंड, ओ क्या टाइमिंग पे रुके, मतलब बंदा पूरा हवा में एकदम उछलने को हो रहा है। इसके इलाइटर जो है यार, इलाइटर तो काफी सही लग रहे हैं वैसे। इसके लग रहा है एकदम ही जैसे कि अभी अपना ये माइनक्राफ्ट की दुनिया से निकल के आया। बट एक बार इसने जब मारी बच्चे ने और खत्म भाई साहब, सारा का सारा सामान निकल गया। और एक तो ये इलाइट्रा, और भाई साहब कितना बढ़िया बढ़िया सामान है। क्राफ्टिंग टेबल हो गई, इसका वाटर एंड लावा बकेट भी हो गई। और एक चीज तुमने नोटिस करी भाई, की एक्सपी भी गिर गई, जो कि एक मटर के दाने जैसी लग रही है। तो यार इस वीडियो में क्या ही हो रहा है, मतलब क्या ही देख रहे हैं। तो एक अंकल आ रहे हैं भाई साहब, किसने एडिट करी होगी, कौन ऐसे एडिट करता है। एक अंकल आए हैं बाहर से नाचते हुए, और अपने हाथ वो ऐसे 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 कर रहे हैं, और सामान भाई साहब एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग पे रखा हुआ है। माइनक्राफ्ट जो बंदा खेलता है ना, जिसको एकदम अच्छे से नॉलेज है, जो माइनक्राफ्ट लवर है, ये मीम सारे उसको समझ आने वाले हैं। और वो इस वीडियो के नीचे पक्का कमेंट करेगा, मेरे को पता है। बढ़िया, एक बच्चा सो रहा है हमारे विलेजर का, और ये अभी गिर दिया इसने। ओ भाई ये क्या, ये तो हवा में उड़ता चला गया, समुद्र के अंदर चला गया। ओ भाई साहब ये क्या है, मतलब उस बंदे ने क्या करा है। एक विलेजर का बच्चा सो रहा था बेड पे, उसने आराम से खड़ा हुआ, उसको पैरों से सरकाता हुआ साइड में ले गया, और वो बंदे की नींद भी नहीं खुली, और तैरता हुआ चला गया पता नहीं पानी में। बट मेरे को यार पता नहीं क्यों ये फेक सी लग रही है। एक काम करते हैं, एक बार और देखते हैं हम अच्छे से। तो ठीक है, ये बंदा आया एकदम बढ़िया तरीके से, और ये देखो भाई सोने दे, ये देखो तो बंदा भी उड़ के चला गया। यार लोग तो ये रियल सी रही है, तो यार इसको एक बार चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब ये ट्रिक काम करती भी है या नहीं। ठीक है, एक बंदा आया, इसने क्या करा, अब एक पेड़ के नीचे ये डगड्डा खोदता चला गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही खोद रहा है एकदम। तो ये बंदा, एक सेकंड भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। तो ये बंदा कुछ तो बना रहा है, और जिस तरीके से भाई साहब ये नीचे गड्ढे करके TNT लगा रहा है, मेरे को लग रहा है कोई ना कोई तो ट्रैप है। यानी कि अगर कोई भी आएगा पेड़ काटने, जहां तक मेरा अंदाजा है, मैंने देखी नहीं है वीडियो अभी सही तरीके से, लेकिन जिस तरीके से ये बंदा प्लानिंग कर रहा है, मेरे को तो पक्का कोई एक ट्रैप लग रहा है। तो एक बार आगे चल के देखते हैं कि भाई साहब ये सही में ट्रैप होता भी है या नहीं। तो यार ये भाई ने लगा दिया, और ये देखो TNT पे TNT इतने सारे TNT लिया। और एक सेकंड, अबे हाँ, ओ रुक जा रुक जा रुक जा भाई मत खुद। और हमारा प्यारा स्टीव आया, और उसने भाई सब नॉर्मली जैसे कि वो करता ही है, अपने पेड़ की कटाई स्टार्ट कर दी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइनक्राफ्ट के अंदर। और उसने ऊपर वाले तो काट ही दिया, अब नीचे वाला भी काटने वाला है। तो चलो देखते हैं हमारा जो अंदाजा था वो करेक्ट होता भी है, या फिर वो ऐसे ही मतलब कुछ और ही चीज निकलती है। ठीक है, तो एकदम पैक कर दी। ये आया अपना स्टीव, और ये भाई साहब पेड़ काट रहे हैं, और ये देखो। तो यार जैसे मैं कह रहा था, हमें लग रहा था कि ये ट्रैप होगा, और देखो एंड में वो ट्रैप ही निकला, यानी कि हमारी जो प्रेडिक्शन है एकदम सही है। लेकिन यार मेरे को उस बेचारे स्टीव के लिए बुरा लग रहा है, वो बेचारा लकड़ी काटने आया था अपने घर के लिए, लेकिन यार अब वो डायरेक्ट अपने घर ही पहुंच गया। और ये क्या है, अबे तो मेरे को टेट्रिस जैसी गेम लग रही है, और ये टेढ़े मेढ़े जोड़े जा रहे कुछ भी। और ये क्या चीज बन गई यार, ये देखो ये होता है जब तुम टेट्रिस सही तरीके से नहीं खेलते, मतलब रैंडम चीजें कुछ भी अगर तुम लगा से रहो तो कुछ इस तरीके का क्रिएचर बनता है। तो ये स्टीव है, बट इसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो पता नहीं क्यों मेरे को अजीब सी लग रही है, जैसे कि एक छोटा सा डायनासोर और मुर्गी हो। तो एक बार तुम ये देखो, बंदे ने पूरा का पूरा टाइटैनिक बना दिया यार माइनक्राफ्ट के अंदर। पता नहीं कितने सारे इसमें स्टिक पिस्टन और बाकी कितने एलिमेंट्स लगाए होंगे रेडस्टोन के। और जब जाके ये हमारा तैयार हुआ है एक शिप, और एक बार देखते हैं हम। तो ये देखो शिप चल भी रही है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी बड़ी शिप है यार ये। और आगे का इसका वर्ल्ड भी लोड नहीं हो पा रहा, एक सेकंड अभी क्या होगा। ओ शिट, तो
तो यार तुम मतलब समझ रहे हो उसका एकदम रियल टाइटैनिक वाला सीन हो गया, पता नहीं कैसे सामने एक आइस का बड़ा सा एक पहाड़ आ गया तो यार उसमें ठुकता चला गया पूरा, यार बंदे की सारी मेहनत बेकार हो गई थी यार, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। लेकिन ये वाली जो क्लिप थी और स्विम में एपिक थी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, बहुत बढ़िया वाला वो भी। तो ठोक दो जल्दी से, हथौड़ी नहीं हो तो मेरे को बता दो, मैं तुम्हारे घर पार्सल करवा दूंगा। तो करना, तो एक बार तुम ये वीडियो देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्रो बंदे हो तो एक बार ये क्लिप जरूर देख लेना। ये बंदा चल रहा है फुल बड़ी तरीके से, इसने एक तीर मारा, पिक को लग गया और ये देखो क्या बाउंस है और वो बच गया। ओ भाई साहब, ओ हो, तो इस बंदे के रिएक्शन देखो। सबसे पहले वीडियो एक अलग लेवल पे और उस बंदे का रिएक्शन वो एक अलग लेवल पे। पहले उस पिक को ये तीर मार देता है और उसके बाद इसको भाई साहब मरने से भी बचा लेते हैं लास्ट में गिरने के बाद, बट इन द लास्ट वो उसको मार के खा जाता है, वो भी पका के और एकदम ठग लाइफ वाले आइडिया में। मेक श्योर टू कीप योर फॉक्स ऑन अ लीड। बट यार यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, तुम यही सोच रहे हो इस टाइम, क्योंकि वो तो खुला ही अच्छा लगता है। तो एक बार तुम ये देखो, अभी तुम्हें पता चल लग जाएगा सारा का सारा खेल। तो उसका पैट भागता हो गया और ये देखो कितना बेवकूफ, पैट ऐसी दही लावा में कूद गया और यू भी नहीं नॉर्मल तरीके से घुस गया, 5 फीट ऊपर कूद के फिर अंदर घुसा एकदम। तो ये देखो कितना बढ़िया सा अपना पैट है और बढ़िया तरीके से घूम रहा है और ये देखो भगता चला गया एकदम, किसी की नहीं देखी इसने आगे पीछे और ये देखो कूद गया। तो यार इस वाली वीडियो का मेरे को बिल्कुल आइडिया सही में नहीं, आइडिया यार ये वाली मैंने नहीं देखी। और ये देखो फुल बड़ी तरीके से आ रहा है और ये पोर्टल एक्टिवेट, बढ़िया। और ये अभी क्या, अभी क्या ही चल रहा है यार नेदर वर्ल्ड में, मतलब कोई बंदा आराम से पोर्टल खोलता है, सोचता है कि एक दिन एंडर ड्रैगन को मारूंगा और उसको सामने दिखता है। भाई सब पहले तो मेरे को ये बताओ कि वहाँ पे बकरी किसने रखी, मेरे को मतलब यार बताओ, और ऊपर से पीछे मैकेनिज्म हो। भाई साहब छोड़ो यार, बात नहीं करना चाह रहा मैं उस बारे में, काश मेरे पास कोई मशीन होती जिससे मैं अपनी याददाश्त बुला सकता उस पल की। तो ये क्या कर रहा है, ठीक है इसने इन तीन बंदों की जान बचा ली, ठीक है, और ये साइड में खड़े भी देख रही है, ये भी तो बचा सकते थे। और एक सेकेंड, अबे हमारे प्लेयर ने मारने लगे कोई, और ये देखो, अच्छा ये वही बंदे जिसको हमने बचाया था, ठीक है, ओ एक स्टार्टिंग में मर गया, सॉरी बड़ी गंदी लैंडिंग थी इनकी। ओ भाई साहब हमारे बचाने आए और ये ही पिटे जा रहे हैं, अच्छा ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, ओ शूट शूट शूट, तो इसी की भाई साहब लंका लग गई, ये सब के सब पिट के आ रहे हैं। ओ भाई साहब, तो यार ये मेरे को बचाने आए थे सारे के सारे एकदम ग्रुप बना के, जैसे कि आज तो भाई साहब KGF की तरह मार ही देंगे सबको, बट एंड में होता है क्या, सभी पिट के आ जाते हैं अपने अब चुपचाप। एक बार इस बंदे को देखो, ये बड़ा फनी है छोटा सा, तो एक बार ये वाली वीडियो देखो, ठीक है। और पहली बात तो यार ऐसी एडिट करता कौन है, एक बार ये देखो, अगर तुम्हें ना पता हो तो वैसे तो यार तुम्हें पता ही है, लेकिन मैं एक बार और बता दूं, ये है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि जो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो यार एक बार तुम ये देखो कितनी बढ़िया एडिट करी हुई है, तुम्हें स्टार्टिंग से दिखाऊंगा एक बार मैं, मतलब फुल माइनिंग चल रही है एकदम बढ़िया तरीके से, वैसे तो पैसे की कमी है लेकिन फिर भी माइनिंग चल रही है। और ये देखो डायमंड मिल गए, फुल पार्टी शार्टी एकदम, और क्या बात है, तो इन्होंने भाई साहब हेलमेट भी बना लिया डायमंड का, और ये नए वाले प्रेसिडेंट। ओह भाई साहब ये चल क्या रही है, तो दोनों की मेरे ख्याल से दोस्ती हो गई है। ओह भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है भाई साहब मज़ा आ रहा है। ओहो तो दोनों की दोस्ती हो गई है, तो यार ये एडिट जिसने भी करी है, ओ पीछे क्रीपर आ गया, फटेगा फटेगा फटेगा, भागो, मर गया मर गया मर गया। तो यार भाई सब किसने करी है एडिट मेरे को बता दो यार, उस बंदे के बारे में बड़ी सही करी है। तो बस यार आज की वीडियो को ले एक काम करते हैं, इसको यही एंड करते हैं, भाई साहब बस इसको बुरा हाल हो गया। तो एक काम करते हैं भाई साहब, मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर तुम चाहते हो कि इसमें से कुछ चीज़ें हम ट्राई करें रियलिटी में और उसको देखें कि वो काम करती है नहीं, तो कमेंट में यार मेरे को ज़रूर बताओ, नहीं तो हम अपनी नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज चालू कर देंगे अगले एपिसोड और क्या, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तब तक के लिए बाय बाय।